ट्री प्लांटेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं ट्री प्लांटेशन जो है इस्लामाबाद के अंदर हमारा सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ है इस साल इन हम दस लाख दरख्त लगाएंगे और कहीं पर भी डीफॉरस्टेशन नहीं हो रही जहाँ पर भी कोई दरख्त कटते हैं या तो उनकी जगह कोई नए दरख्त लगाए जाते हैं लोग अक्सर मुझे शिकायत करते हैं कि जी सेक्टर जी टेन में दरख्त कट गए तो सेक्टर जी टेन में जो दरख्त कट रहे हैं वो जंगली तूत हैं या पेपर मलबरी जिसका नाम है वो इसलिए काटा जाता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी इस्लामाबाद में फैल रही है क्योंकि ये एलियन स्पीशीज़ हैं ये किसी ज़माने में इस्लामाद में लगा दी गई लेकिन इनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो इनको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किया जा रहा है और जो एक दरख्त रिमूव किया जाता है उसकी जगह दस दरख्त नए लगाए जाते हैं और वो आपने देखा होगा कि पाइन ट्रीज़ और ये हर जगह पर हम लगा रहे हैं इसमें लोग कहते हैं कि जी आप सड़क के केर्गिर्द दरख्त लगे हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि जिस जो सड़क का पूरा राइट ऑफ वे होता है शुरू में तो सड़क कम बनाई जाती है फिर जब जैसे जैसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है तो सड़क एक्सपेंड होती जाती है जब एक्सपैंड होती है तो अगर वहाँ पे कोई दरख्त लगे हों तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है लोग शिकायत करते हैं कि जो उनको शिफ्ट ना किया जाए तो वो ऑब्वियसली उनको शिफ्ट करना होता है उसका फिर तरीकाकार ये है कि उनको शिफ्ट करके और जो हमने जगह इंक्रोचमेंट से रिकवर करा रहे हैं और हमारे ग्रीन एरियाज हैं उनको वहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि वहाँ पर कोई कोई कब्जा भी ना हो और दरख्तों को भी वहाँ पर इस्टेबलिश कर लिया जाए और इस्लामाबाद के अंदर ये जो एक मिथ है कि जिसमामबाद में बहुत सारी ये ग्रीनरी ख़त्म की जा रही है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है ग्रीनरी इस्लामाबाद में बढ़ाई जा रही है अलबत वो एरियाज़ जो डेजिग्नेटेड हैं डेवलपमेंट के लिए उनमें डेवलपमेंट होनी होनी है जैसे आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर शुरू में सिर्फ एफ सिक्स और एफ़ सेवन थे तो एफ़ एट के अंदर तो कुछ नहीं था इधर तो ग्रीन एरिया था लेकिन जारी बात है जब ये सेक्टर बना तो ये ग्रीन एरिया ख़त्म हो गया लेकिन इसके साथ ही हमने एफ नाइन पार्क भी बना दिया इस तरह और मजदीद नए पार्कस बनाए जा रहे हैं मज़ीद जंगल के एरियाज़ के अंदर दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि ओवरऑल जो इस्लामाबाद की अनवायरमेंट है उसको क्लीन रखा जा सके बहुत शुक्रिया